डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा आसन करवाने वाला हूं जिससे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है, एडी से लेकर के सिर तक लाभ ही लाभ पहुंचते हैं। जिनको सिर में दर्द रहता है, तनाव रहता है, नींद न आने की समस्या है, या कंधों में जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, कमर में दर्द रहता है, पेट संबंधी रोग है, हिप्स और थाइज का फैट बढ़ गया है, हाथ और पैर कमज़ोर हो गए हैं, यानी कि पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग देने के लिए, थकान दूर करने के लिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए एक ऐसा आसन जी मैं जिक्र कर रहा हूँ, अधोमुख श्वान आसन, जिसको हम पर्वतासन ही बोलते हैं। अधोमुख का मतलब होता है कि इसमें हमारा चेहरा नीचे की ओर होता है, सिर नीचे की ओर होता है, और श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। योग विज्ञान ने इस आसन को कुत्ते से लिया है, कुत्ते से सीखा है। जिस प्रकार कुत्ता अपनी थकान को मिटाने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए इस आसन को करता है, यानी स्ट्रेचिंग में आता है, अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आता है। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आसन यानी कि पर्वतासन पांचवें नंबर पर आता है। तो आइए जानते हैं किसको ये आसन नहीं करना है। यदि मैं इसकी सावधानियों की बात करूं कि किन को नहीं करना है, तो जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और सिर में कोई सर्जरी हुई है, चोट लगी है, आंखों की सर्जरी हुई है, आंखों में लालिमा रहती है, उनको ये नहीं करना है। जिनके कहीं पेट का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उनको नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा साइटिका पेन होने पर, बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क में, बहुत ज़्यादा कमर दर्द में इसको नहीं करना है। हल्का फुल्का कमर दर्द है, हल्का फुल्का साइटिका का है, स्लिप डिस्क का, तो उसमें कर सकते हैं। महिलाएं प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान इस आसन को न करें। यदि शरीर में कहीं भी सर्जरी हुई है, चोट लगी है, या थकान महसूस करते हैं, हाथ और पैरों में कमजोरी है, तब भी इस आसन को न करें। और जो गंभीर रोगी है वो अपने डॉक्टर की राय से ही करें। तो आइए जानते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है, आसन की विधि। इस आसन को करने के लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। आप देख रहे हैं मैं वज्रासन में बैठा हुआ हूं, और यहीं से हम ऐसे कैट पोज में आ जाएंगे आगे की ओर। हाथ और पैरों में बराबर गैप कर लें, जितने हमारे हाथ खुले हों उतने ही पैरों को खोल लें, लगभग बराबर। पैरों के अंगूठे और उंगलियां ऐसे जमीन पर रखें और श्वास भरें, फिर श्वास को खाली करके ऊपर की ओर जाएंगे। पहले श्वास भरें, पूरा श्वास को खाली कर दें, और अब पीछे पैरों के अंगूठे उंगलियों का सहारा लेते हुए पैर को सीधा करने का प्रयास करें। और इससे पहले हम क्या करें, पूरा कमर को, स्पाइन को सीधा कर दीजिए, नीचे की ओर लेके आए जितना उसके। और अब धीरे धीरे एड़ियां जमीन पर रखेंगे, एड़ियों को पूरा जमीन पर रख दे, जितना उसके स्पाइन को सीधा रखें, और हमारी ठोड़ी जो है छाती के साथ लग जाएगी। हो सकता है पहली बार आप एड़ियां नहीं रख पाए, हो सकता है आप इतना रख पाए, इतना हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रयास अभ्यास करेंगे तो एड़ियां ऐसे ज़मीन पर रख पाएंगे। क्योंकि एड़ियों को ज़मीन पर रखने से जो है पूरी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, पूरा इस आसन का लाभ मिलता है। और आप जितना उसके ऐसे बीच में से पूरा उठ जाइए, ऐसे गर्दन को जितना उसके नीचे, थोड़ी छाती से लगी हुई है, ऐसे आप जो है एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते तीन मिनट के लिए रुक सकते हैं। शुरू शुरू में ज़्यादा न करें इसको, आधा मिनट के लिए, एक मिनट के लिए रोकें, और आप एक एक मिनट के लिए इसकी तीन आवृत्ति कर सकते हैं, या और अधिक समय बढ़ा सकते हैं अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार। आप ऐसा कुछ देर के लिए रहेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। देखिए इसमें क्या है, हमारी जो एड़ियां ज़मीन पर रखी जाती हैं तो इसमें पूरा खिंचाव आता है। ये देखे आप स्वयं करेंगे तो आपको पता चलेगा, पूरा पिंडलियों पर खिंचाव आता है। तो इससे क्या होगा, जिनके पैर कमज़ोर हो गए हैं या हाथ कमज़ोर हो गए हैं, हाथों की मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप देख रहे हैं कि इसका वजन जो है पूरा हाथों पर और पैर पर रखा हुआ है, तो हाथ और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारी पिंडलियां और काप मसल स्वस्थ रहती हैं। जिनका हिप्स और थाइज पर जो ज़्यादा फैट हो गया है, उस फैट को डिजोल्व करता है ये आसन। क्योंकि इसमें देखिए खिंचाव आता है पूरा जो है इस पिंडलियों पर और हिप्स और थाइज पर खिंचाव आता है, तो उसका फैट कम होता है। फिर बात आती है कमर दर्द की, यहाँ पर स्पाइन हमारी जो है सीधी रहती है, तो इससे जिनके कमर में दर्द है, कमर को लचीली बनाता है, कमर बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ये ऐसे आप पूरा स्पाइन को सीधा रखेंगे तो ये कमर दर्द को दूर करता है, हमारे कमर को लचीली बनाता है,
इसके साथ साथ जिनके कंधों में यहाँ पर स्टिफनेस आ गई है, कंधों में जकड़न रहती है, इससे हमारे कंधे स्वस्थ रहेंगे पूरा। और फेफड़े मजबूत बनाता है, पेट संबंधी रोग, क्योंकि पेट प्रेशर पड़ता है तो जिनको पेट संबंधी रोग है वो ठीक हो जाएंगे। इससे हमारा जो है पाचन तंत्र में सुधार आता है और इससे बेली पर असर पड़ता है तो बेली फैट को भी कम करता है। फिर बात आती है कि सिर जो है इसमें आगे की ओर झुकता है। हमारा हार्ट यहाँ पर है और सिर यहाँ है। हार्ट में, हार्ट से जो है ना सिर की ओर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होने से सिर की ओर ज़्यादा, मस्तिष्क की ओर जो है जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। जिनको सिर में दर्द रहता है, थकान रहती है, निद्रा की प्रॉब्लम है और तनाव रहता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और इससे चेहरे पर और बालों पर भी जो है इनको भी लाभ मिलता है। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो है आगे की ओर जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो इससे हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ऐसा आप जो है धीरे धीरे वापस कैसे आएंगे, पहले ऐसे पैरों को रखें, वज्रासन में आ जाएं और वापस बैठ जाएं। तो हमने इसके लाभ सुना कि जैसे स्ट्रेचिंग हो जाती है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो स्ट्रेचिंग होने से क्या होगा, जिनको थकान रहती है वो थकान दूर हो जाएगी, इससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। और बहुत अधिक लाभ आप लोगों ने सुने हैं। तो आसन एक है लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। आप इस आसन को करके जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।